खैरुल साहब बाजी घर पर है, मिठाई लेकर आई थी उनके लिए। मेरे बेटे की सरकारी नौकरी लग गई है, उनसे दुआ करवाई थी ना। तो थोड़ा देर से आ जाती आप। फिर ना घर के कामों में याद नहीं रहता। मेरे बेटे ने कहा कि खाला के घर फौरन मिठाई लेकर जाओ, वो तो खुद आता, लेकिन आजकल लाहौर में है ना, और ये मेरी भाभी है, सखर चली जाएंगी आज ही, इनको भी दुआ करवानी थी इसलिए साथ ले आई। आइए चल के दुआ करवा लेते हैं। वैसे एक ही दिन हमें छुट्टी का मिलता है और हम गुनाहगार दरवाजा खोलने में ही अपना दिन गुजार देते हैं, और नेक बख्त लोग जो है वो तख्त पे बैठ के ऐश कर रहे होते हैं। खैर इसमें आपका कोई कसूर नहीं है। अपनी खैरुन्निसा बाजी से भी कह दे कि कभी दरवाजा खोल लिया करें, चले दुआ करवाने। अरे सुंबल बेटा, तुम तो बड़ी नसीबों वाली हो कि अल्लाह पाक ने ऐसे नेकुकार, इबादत गुजार और फरिश्ता सिर्फ साथ दिया तुम्हें। जी जी, कब्र का हाल मुर्दा ही जाने। वैसे हमने तो बहुत दुआएं समेट ली हैं, अब आप समेट लीजिए। आइए आइए आइए, चलिए दुआएं करते इज्तिमाई। तौबा तौबा, जिंदगी अजाब करके रख दी है, खुद तो दरवाजा खोलते नहीं, नौकर बना के रखा हुआ है। दुआएं करने की।